हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे। आपका स्वागत है हमारे खास शो में, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं उन सारी खबरों पर, उन सारे हेडलाइंस पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हर एग्जामिनेशन, फॉर एवरी एग्जामिनेशन व्हाट्स एवर। सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, लेट्स स्टार्ट द शो। वील फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द 14th ऑफ जून हेडलाइंस, एंड अगर समय बचा तो 13 भी कवर करेंगे, पर बी रेस्ट अश्योर्ड कल तक, दैट इज 15th ऑफ जून, वी विल कवर द रिमेनिंग 13 जून हेडलाइंस। सो दैट बी रेस्ट अश्योर्ड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डाउट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपको दिखा दें हम अपना मोटिवेशन ऑफ द डे, जो कि ये रहा आपके सामने, कीप योर आइज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। अपने अहम को अपने पास रखें और अपने सपने को उस आसमान को देखें, जहाँ को जिसको पार करना बाकियों के लिए, काफ़ियों के लिए उतना ही ज़्यादा आपका मुश्किल है। सो गाइज, अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक थिंग, कि कीप द स्टार, कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड द फीट ऑन द ग्राउंड, एंड ये है हमारा सेइंग फ्रॉम थियोडोर रूजवेल्ट। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस। नाउ आई हैव डन समथिंग डिफरेंट, आई जस्ट सॉ वेरियस यूट्यूब शोज डूइंग इट, तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए, क्यों भैया झूठ बोलूं कि मैंने खुद से कुछ किया है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ दैट आई हैव नाउ अटैच द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर शो ऑन इन द वीडियो इट्सेल्फ। एक बार ज़रा नेक्स्ट PPT दिखाएंगे, तो आप जो हमारा वीडियो है उसके टाइटल के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप पा सकते हैं हमारा वो लिंक। तो ज़रा वो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें और वहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसके पहले वाला शायद, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वो लिंक आपका कौन सा है, एंड यू विल गेट टू नो कि उस लिंक को कैसे आपको करना है। इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा आपको, अगर ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा, पर हाँ, तो वो जो लिंक है, दैट लिंक गाइज इज़ बेसिकली अवेलेबल आफ्टर दिस पर्टिकुलर इमेज, वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको दिख गया है तो उसको एक बार आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सबको दिख गया, अच्छी बात है। सो इट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी फर्स्ट इमेज पर, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। वेल गाइज, द मोस्ट फॉलोड स्पोर्टिंग टूर्नामेंट, the most popular sports biggest tournament that is about to start, that will start it will be the 21st football world cup, which will start off on Moscow this Thursday. To aaj ke din जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है, दैट विल स्टार्ट। अब यहाँ अगर बात करें तो वो हु आर द फेवरेट्स, ब्राज़ील, दे आर द 5-time वर्ल्ड चैम्पियंस, जर्मनी, दे आर 4-time वर्ल्ड चैम्पियंस, स्पेन, दे आर 1-time चैम्पियंस, एंड देन वी हैव फ्रांस विच आर 1-time वर्ल्ड चैम्पियंस। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रैंकिंग, जर्मनी इज़ नंबर 1, ब्राज़ील इज़ नंबर 2, बेल्जियम इज़ नंबर 3, एंड पोर्चुगल इज़ नंबर 4। सिमिलरली एज पर द गोल्डमैन सैक्स अजम्पशन, उनके हिसाब से ब्राज़ील शुड विन, द सेकेंड कंटेंडर इज जर्मनी, थर्ड वन इज़ फ्रांस। सिमिलरली एज पर द ग्रे स्नो सिमुलेशन, ब्राज़ील शुड विन, स्पेन सेकेंड, जर्मनी थर्ड, एंड अर्जेंटीना इज़ फोर्थ। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लियोनल मेसी इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट गोल स्कोर अलॉन्ग विद छेत्री, ही हैज़ 64 गोल्स। देन वी हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु हैज़ द मैक्सिमम गोल्स 81, नेमार जूनियर ही हैज़ 55 गोल्स। नाउ इन 14 ऑफ द 20 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप, असाइड rank in the top 4 has ended up winning, मतलब पिछले 20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो उन 14 वर्ल्ड कप्स में ऐसा देखा गया कि द टॉप 4 फीफा रैंक टीम्स हैव वन द वर्ल्ड कप। ओनली ऑन ओनली 2 ऑफ दीज ओकेजन हैज द नंबर 1 रैंक टीम ट्रायम्फ्ड इन 62 एंड इन 2010। तो नंबर 1 रैंक होना जरूरी नहीं है, हो सकता है आप वर्ल्ड कप ना जीतें। द लोएस्ट रैंक टीम टू एवर विन अ वर्ल्ड कप इज उरुग्वे, एंड द साइड वॉज एट नंबर 18 एंड इट लिफ्टेड द कप इन 1950। तो ये हमारे सामने है जो आज का पहला मैच है, दैट विल बी प्लेड एट 8:30 PM बिटवीन रशिया एंड सऊदी अरेबिया। सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइज। सो वी कवर्ड द फर्स्ट ऑफ द प्रीफेस ऑफ द वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप जो आपका हो रहा है, इसका हमने एक आपको प्रीफेस दे दिया, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले सकते हैं, ले चलते हैं हमारी अगली इमेज पर, जो कि ये रही अब आपके सामने। राजस्थान के अंदर दे विल सेट अप बायोगैस प्लांट्स, एंड विद दिस द स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ बायोगैस प्लांट्स एट काउ शेल्टर्स। देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ।
बायोगैस प्लांट्स विद द कैपेसिटी ऑफ ओवर 100 क्यूबिक मीटर्स विल बी सेट अप शॉर्टली एट 25 गौशालाज इन राजस्थान विद 50% सब्सिडी ऑन इन्वेस्टमेंट पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स गोपालन डिपार्टमेंट। तो गौशालाज के पास बायोगैस प्लांट्स बनेंगे जिनका जो एक कैपेसिटी होगा दैट विल बी अराउंड ओवर 100 क्यूबिक मीटर्स एंड 50% सब्सिडी मिलेगा एंड वो भी दिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स गोपालन डिपार्टमेंट विच इज़ कंसर्न विद द बायोगैस एंड काउ शेल्टर्स, वो इसको यहाँ पर आपका देगा। राजस्थान विल बिकम द फर्स्ट एवर स्टेट टू प्रोड्यूस मैन्योर फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स एट द काउ शेल्टर्स, ऐसा करने वाला वो पहला प्रदेश यहाँ पर बनेगा। देयर शैल बी अराउंड 25 प्लांट्स, करीब 25 आपके बायोगैस प्लांट्स बनेंगे विथ अबाउट 1 लाख मीट्रिक टन ऑफ मैन्योर विल बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो ये एक नई पहल है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है, राजस्थान मारो राजस्थान में बायोगैस प्लांट बनेंगे, ये आपके काउ शेल्टर्स के आसपास बनेंगे। नंबर टू, नंबर थ्री, दी फंडिंग विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 50% सब्सिडी मिलेगा एंड दैट विल बी गिवन बाय द गोपालन डिपार्टमेंट। सिमिलरली देर विल बी अराउंड 25 बायोगैस प्लांट्स एंड विद दिस राजस्थान विल बिकम द फर्स्ट एवर स्टेट टू सेटअप अ काउ शेल्टर। एक बार ज़रा वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दें बिकॉज कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वॉल्यूम का कुछ डिफिकल्टी हो। तन्मय, ये कोई गवर्नमेंट स्कीम तो नहीं है पर ये एक वेंचर है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। सो आई होप एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड द बेसिक सिनॉप्सिस ऑफ दिस हेडलाइन। सो लेट्स हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंदू शॉर्ट्स विच इज़ द करंट अवेयरनेस शॉर्ट्स ऑफ दिस PDF एंड वो रहा आपके सामने नेक्स्ट पेज पर। बायोगैस प्लांट्स विद द कैपेसिटी ऑफ ओवर 100 क्यूबिक मीटर्स विल बी सेटअप शॉर्टली एट 25 गौशाला इन राजस्थान विद 50% सब्सिडी, 50% सब्सिडी मिलेगा और इसको देगा गोपालन डिपार्टमेंट। करीब 100 क्यूबिक मीटर्स के एक गौशालाज बनेंगे जो 25 बायोगैस प्लांट्स का काम करेंगे एंड इससे करीब 1 लाख मीट्रिक टन्स का मैन्योर विल बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। सो आई होप ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, अब आपको ले चलें हमारी नेक्स्ट इमेज पर जहां पर आप देख पाएंगे द स्टैटिक अवेयरनेस पॉइंट्स रिगार्डिंग राजस्थान। सो हियर इट इज द स्टैटिक अवेयरनेस पॉइंट्स ऑफ राजस्थान। द कैपिटल इज जयपुर, द गवर्नर इज श्रीमान कल्याण सिंह, द CM इज मिसेज वसुंधरा राजे सिंधिया, द लोकसभा सीट्स आर 25 इन नंबर, 25 लोकसभा सीट्स हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा ये स्टेट है। आदित्य शर्मा जी, बायोगैस प्लांट होता है जहाँ पर बायोगैस बनती है जिससे कि मैन्योर बनता है एंड ऑल्सो टू एन एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी का भी एक सृजन होता है। सो बेसिकली इट्स अ प्लांट विच इज़ मल्टीपर्पज़ इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ अ बायोगैस प्लांट। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टेट डांसेस, इट इज़ घूमर, द स्टेट एनिमल इज़ ऊट, कैमल एंड चिंकारा, ये दो वहाँ के स्टेट एनिमल्स हैं। स्टेट बर्ड में वी हैव गोदावान, स्टेट फ्लावर इज़ रोहिदा, स्टेट ट्री इज़ खेजरी विच इज़ फाउंड अबंडेंट इन राजस्थान, द स्टेट स्पोर्ट्स इज़ बास्केटबॉल। सिमिलरली द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान इज़ विद पाकिस्तान, उसके साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय लाइन है। रिवर्स की बात करें, चंबल, बानस, लूनी, बेराज, साबरमती एंड नर्मदा, दीज आर द 4 रिवर्स विच आर इन राजस्थान। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमारा स्लाइड विद द शॉर्ट्स। इन टर्म्स ऑफ लेक्स गाइज, वी हैव द अना सागर लेक इन अजमेर विच इज़ आर्टिफिशियल लेक, वी हैव द धेबार लेक विच इज़ इन उदयपुर ऑल्सो नोन एज द जैसा मंद लेक विच इज़ एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है ढेबर लेक। देन वी हैव फतेह सागर, अगेन उदयपुर में आर्टिफिशियल लेक है। मानसागर जयपुर में आर्टिफिशियल लेक है। नक्की लेक, इट इज़ इन माउंट आबू। सांबर लेक, इट इज़ इन द सांबर लेक टाउन, इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। एंड देन वी हैव द पुष्कर लेक जो कि अजमेर में पड़ता है, वहाँ पर आपका है। सो दीज आर द टॉप 7 लेक्स एंड गाइज अंडरस्टैंड राजस्थान हैज़ अबंडेंट नंबर ऑफ लेक्स, सो दीज 7 लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट as a part of static awareness for any examination. All right, आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर। इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क गाइज, वी हैव द रणथंबोर नेशनल पार्क विच इज़ इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, द सरिस्का टाइगर रिजर्व विच इज़ इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट, द केलेडियो घाना विच वॉज अर्लियर नोन एज भरतपुर, इट इज़ इन भरतपुर अलवर, डेजर्ट नेशनल पार्क इज़ इन जैसलमेर, कुंभलगढ़ इज़ इन राजस मनाद डिस्ट्रिक्ट, द दर्रा नेशनल पार्क इट इज़ इन कोटा।
Similarly, in terms of important stadiums, we have Sawai Man Singh, which is in Jaipur. We have Barkatullah Khan Stadium, which is in Jodhpur. Similarly, nicknames ki baat karein, Jaipur is known as Pink City. Jaisalmer is known as the Golden City of India. Udaipur is known as the White City because of the white houses, the white monuments. It is also the City of Lakes. It is also called as the Venice of the East. Similarly, we have Jodhpur, which is called as Blue City and also Sun City. So we've discussed national parks, stadiums and nicknames. Aage badhe, next slide par, agar hai toh, dikha de next slide. In terms of festivals, guys, we have the Tej Festival, Gangaur Festival, Desert Festival, Nagaur Fair, Pushkar Fair, Marwad, Camel, Mewad, Elephant, these are the festivals. Then in terms of monuments, the Jyotish Yantralay, jiska naam Jantar Mantar hai, main khud gaya hua hu, that is in Jaipur. Hawa Mahal, Temple of Galta, Sun Temple, Amber Palace, all of these are in Jaipur. Lake Palace is in Udaipur. Umaid Bhavan, ye sawal exam mein kai baar aata hai, it is in Jodhpur. Manak Chowk is in Jaisalmer, and then we have the Jagat Pita Brahma Mandir, which is the world's only Brahma Mandir, that is in Pushkar, Ajmer. To wapas screen pe aate hain. Dosto, it is not Wikipedia. This data is compiled by the hard working team of Bankers Adda. So do not relate everything to Wikipedia. Kudos to the Bankers Adda team for such a intensive, such an extensive data about Rajasthan. And dosto, sawal exam mein aata hai, because agar Bankers Adda likhta hai, to exam mein sawal aata hai. So understand. Aage badhe. And now let's focus on our next image, jo ki ye rahi aapke saamne. US has made an approval of 6 more Apaches. The US State Department has approved the sale of 6 additional AS-64 Apache attack helicopters to India, and the Army will operate them. So, 6 new AH-64 helicopters ko US provide karega Indian Army ko, and usko wo yahan par aapka, they will basically start operating on these AH-64 helicopters. Now there will be a question. Okay, the question will be, what are these helicopters? Uske liye aapko dikhate hain isi ka the Hindu and the static shots, jo ki ye raha ab aapke samne. मैंने पहले आपसे कहा था, the US State Department has approved, उन्होंने approval दिया है, of AS-64 Apache attack helicopters का, number one. Number two, a direct commercial sale will happen of around 6 AS-64E helicopters, and the costing will be, इसको mark कर दीजिएगा, $930 million, that is the costing of these entire helicopters. Similarly, the entire deal is a $3 billion deal. And India has contracted for around 22 Apaches and 15 Chinook heavy lift helicopters through the program. So overall, to kharcha aayega for 6 Apaches, 930. Overall deal hai $3 billion ka, which includes 22 Apaches and 15 Chinook heavy lift helicopters. Similarly, what is the role? The role is, it is basically an attack helicopter, that is the role. The manufacturer is Boeing, that is the manufacturer of this event. In terms of introduction, it was introduced in the year 1986. 1986 mein aapka ye open hua tha. Ye jo khabar dosto hai, this headline is on page number 5 or 6. To isko ek baar dekh lijiyega. And ye hamari khabar hai. Let's come back to the screen, guys. So guys, we've covered two headlines. Agar inme koi doubt nahi hai, to ek baar comments mein dal dijiyega. Yes sir, we have no doubts. And agar aapki ichha kare, aapki श्रद्धा करे, आपकी माया करे, so you can also give a thumbs up, a big thumbs up to this particular show. चलिए आगे बढ़ते हैं, और I hope सबको मजा आ रहा होगा. जिसको boring लग रहा है, मुझे पता है, सुबह सुबह की बात है, जाओ washroom में जल्दी से मुंह पे छट्टा मारो and then come back, all right? Because this is not a boring show, it's a very very interesting show. That is what I believe and feel. चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको ले चलते हैं हमारी next image पर, जो कि ये रही अब आपके सामने screen पर. National Dam Safety Authority in the works. The cabinet has approved a bill, and that particular bill has given an approval for the creation of a regulator, the creation of a body that will look into the dam safety of various states. Jitne bhi aapke states hain, un states ki jo ek regulatory body hogi of the safety of dams, uska naam hoga
NDSA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इंडिया हैज़ अराउंड 5200 डैम्स, करीब 5200 डैम इंडिया में हैं एंड नियरली 450 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो 5200 डैम हैं और 450 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप समझ सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ रेगुलेटरी बॉडी, टू हैव अ सुपरविजरी बॉडी, टू हैव एन एडवाइजरी बॉडी एटलीस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज द NDSA, दैट इज़ द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ऑलराइट, चलिए आपको दिखा दें इसी का द हिंदू शॉर्ट, दैट इज़ द करंट अवेयरनेस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो वी हैव 5 पॉइंट्स एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू क्विकली गेज एंड काउंटर ऑल दिस पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज द यूनियन कैबिनेट विच इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने अप्रूवल दिया है। दिस अप्रूवल इज़ फॉर द डैम सेफ्टी बिल 2018। सो इस बिल के मद्देनज़र वाया दिस बिल दिस अथॉरिटी विल बी सेटअप। द बिल एंड विसाजेस, बिल का सपना है, बिल का एक विजन है कि देर विल बी अ NDSA, द फुल फॉर्म इज नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, विच विल एक्ट एज अ लिंक, ये एक पुल का काम करेगी बिटवीन द स्टेट लेवल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ओनर्स ऑफ डैम्स फॉर स्टैंडर्डाइजिंग सेफ्टी रिलेटेड डाटा एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, और जो आपके आपके ओनर्स हैं उन डैम्स के, वो इनके बीच इट विल एक्ट एज अ लिंक सो दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिल इज इम्प्रूव्ड टू बी मच मोर बेटर। नंबर वन, वापस स्क्रीन पे आते हैं, थर्ड पॉइंट को मार्क करिएगा, ये खुफिया मतलब ये इन्वेस्टिगेट भी करेगी रिगार्डिंग डैम फेलियर्स एंड इट विल फाइंड द स्टेट्स अगर डैम फेल होता है या इंप्लीमेंटिंग में दिक्कत होती है। सो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एग्जांपल है द मेलुपेरियार डैम। द मेलुपेरियार डैम इज एन इशू बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो ऐसे सारे मामले, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ इवेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द NDSA। सिमिलरली ड्यू टू लैक ऑफ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर डैम सेफ्टी इन इंडिया, डैम सेफ्टी इज अ पेरिनियल कंसर्न। द वर्ड पेरिनियल को मार्क करेगा, पेरिनियल बेसिकली मीन्स कंटिन्यूअस। सो डैम सेफ्टी हैज ऑलवेज बीन अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम एंड टू अवॉइड एंड टू रिड्यूस एंड टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम दे आर सेटिंग अप अ NDSA, दैट इज अ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ऑलराइट, सो इन अ क्रक्स गाइज, आई अगेन रिपीट, NDSA इज बीइंग सेट अप, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज सेट अप बाय द यूनियन कैबिनेट। नंबर थ्री, द नेम ऑफ द बिल इज द नेशनल डैम सेफ्टी बिल 2018। नंबर फोर, इट विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन स्टेट लेवल डैम सेफ्टी एंड ओनर्स ऑफ द डैम्स। एंड नंबर फाइव, द NDSA विल इन्वेस्टिगेट एनी डैम फेलियर्स एंड फाइंड द स्टेट अगर डैम फेल होता है तो। याद रखिएगा 5200 आपके डैम्स हैं। वेल, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऋचा झा, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मनप्रीत कौर। NDSA मीन्स नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइज। आई होप लाइक मी फॉर यू एज वेल ऑल दिस डिस्कशन इज क्रिस्टल क्लियर। प्लीज़ आफ्टर एवरी हेडलाइन, मैं बोलूँगा नहीं आपसे, पर आप कमेंट्स में डाल देंगे, यस सर वी हैव अंडरस्टूड। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर, जो कि ये रही आपके सामने। अच्छा, वापस स्क्रीन पे एक बार आ जाएं। देखिए आप भी, हाँ, इसको दिखा देना स्क्रीन पर। देखिए, इससे आप समझ में आ जाएगा मुद्दा क्या है। पहला मुद्दा है, इट विल लिंक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस विद द ओनर्स। सेकंड, इट विल इन्वेस्टिगेट डैम फेलियर्स एंड फाइंड द अथॉरिटी। थर्ड, लुक इन टू अनरिजॉल्व पॉइंट ऑफ इशू, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन स्टेट्स, जैसे कि मुल्लापेरियार डैम। तो मुल्लापेरियार डैम इज एन कंटेंशियस इशू बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो ऐसे इशूज़ को भी ये टैकल आपका करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज। एंड दिस इज नेक्स्ट इमेज गाइज। वेल, प्रदीप नाइक, आई डू इंक्लूड साउथ इंडियन न्यूज़, डू नॉट वरी, आई एम अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड आई इंक्लूड एवरी स्टेट न्यूज़। ऑल राइट, चलिए। गवर्नमेंट मे लिस्ट एयर इंडिया आफ्टर अ फेल स्टेक सेल। यहाँ पर ज़रा फर्स्ट पैराग्राफ को, सेकेंड को ज़रा मार्क कर देना। इंडिया इज ओपन टू लिस्टिंग एलिंग स्टेट कैरियर एयर इंडिया, अ गवर्नमेंट सो सेड ऑन वेंसडे आफ्टर फेलिंग टू अट्रैक्ट बायर्स फॉर 76% स्टेक इन द कंपनी। तो देखिए, इसका हिंदी मतलब यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हो सकता है एयर इंडिया को लिस्ट करे, बिकॉज जो उसकी सेलिंग था वो अचीव नहीं हुआ। इट वॉज विलिंग टू सेल 76% ऑफ द शेयर्स इन दैट कंपनी इन एयर इंडिया, बट देर वॉज नो इंटरेस्ट बाय द पोटेंशियल बिडर्स। इस वजह से अब शायद उसको वो लिस्ट करेगा।
सेकेंड पैराग्राफ को ही मार्क करिएगा, वाइल द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स रिलेटिंग टू रिवाइविंग द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इट विल नॉट अलाउ कंप्लीट फॉरन ओनरशिप ऑफ द एयरलाइन. मतलब वो कोशिश कर रहा है टू सेल द शेयर्स, बट एज सेड इन द सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट फॉरन ओनरशिप को अलाउ नहीं करेगा. इट विल नॉट अलाउ अ कंप्लीट फॉरन ओनरशिप, नंबर वन. चलिए वापस स्क्रीन पे अब आ जाए तो बेसिक बात समझिएगा, बात समझना सिंपल सा. द वर्ड इज डिसइन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहते हैं विनिवेश. किसी को पता ही क्या होता है. आई होप दो साल से मैं करीब करीब 25 बार तो बताया होगा व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट और अ कंपनी ट्राइज टू सेल इट्स शेयर्स ईदर फॉर रिकवरी ऑफ लॉस और फॉर जनरेशन ऑफ कैपिटल. आल अगेन रिपीट गाइस, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट और द कंपनी इट ट्राइज टू सेल इट्स असेट्स ईदर फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस और फॉर जनरेशन ऑफ कैपिटल. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिसइन्वेस्टमेंट. सो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया हैज़ फेल्ड, कंप्लीटली फेल हो गया है. द रीज़न वाई, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेल 76% शेयर्स पर वो कोई नहीं खरीदा. नाउ द पॉसिबल ऑप्शन इज दैट दे विल लिस्ट AI इन द BSE और इन द NSE एंड बाय लिस्टिंग द पीपल विल परचेज द शेयर्स एंड बाय परचेजिंग द शेयर्स द अमाउंट द जनरेशन ऑफ कैपिटल विल बी देयर एंड द लॉस विच इज़ फेस्ड बाई दी एयर इंडिया, उस लॉस को भी यहाँ पर हम कम कर देंगे. सो दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने. इंडिया इज ओपन टू लिस्टिंग एलिंग स्टेट कैरियर एयर इंडिया, अ गवर्नमेंट सो सेड ऑन वेंसडे आफ्टर फेलिंग टू अट्रैक्ट बायर्स फॉर अ 76% स्टेक इन द कंपनी. While the government is considering sell proposals, it will not allow complete FDI or complete foreign ownership ko allow nahi karega. One proposal is to retain a share in the carrier and sell it at a later date so it can capitalize on any financial upside, or they can also list this company on a stock exchange. All right, to ye aapka yahan par simple sa point hai. Wapas screen pe aate hain. Rujika Soni, yes, hamara batch chal raha hai. Well, we have a English online batch that is happening. That batch mein majorly Achal ma'am will take up the English section and descriptive will be taken by Saurabh sir. So that batch is happening today. वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए यू कैन कॉल अस एट 8750016167. एक सवाल आया फ्रॉम तन्मय सर, व्हाट इज लिस्टिंग? लिस्टिंग मींस व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द BSE और द NSE और एनी एक्सचेंज फॉर ऑफरिंग शेयर. आई अगेन रिपीट गाइस, व्हेन एनी कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इन द NSE दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एनी एक्सचेंज and by registering they can offer shares. So if a company can offer shares through an exchange, that company is called as listed company and this process is called as listing. I'll again repeat guys, if a company is able to sell a share, it is able to offer a share, that company will be called as a listed company and this process will be called as listing. All right, so I hope kai log ko yahan par clear ho gaya hoga. Okay. ओके. व्हाट इज BSE अजय विद्या? बता दे कोई कमेंट्स में. इट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सबको क्लियर हो गया ना? आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एग्जैक्टली क्लियर अबाउट द हेडलाइन. एक बार लिख दीजिएगा येस सर, येस सर, येस सर, इट इज़ क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट इमेज. गाइज आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो. HDFC Bank has won the approval of the Union Cabinet to raise 24,000 crore via FDI. It will help this lender's capital adequacy ratio. Every bank in India or in the world has to maintain a ratio called as CAR. If the bank does not maintain the CAR, that bank will be under PCA, that is prompt corrective action. So to avoid PCA and to increase the CAR, the HDFC Bank has been allowed to raise 24,000 crore from the FDI, from foreign direct investment, from foreign companies or from foreign investors. Main aapke liye padhta hu English mein. The Union Cabinet on Wednesday approved a proposal to grant private sector lender HDFC Bank permission to raise additional capital of up to rupees 24,000 crore through the FDI route. Ab ek sawal aayega sir, FDI kya hai? FDI is the investment
done by an investor or a company more than 10% in the company shares. For example, अगर मैं मान लेते हैं I am Donald Trump, भगवान ना करे कभी किसी जिंदगी में मेरे को ऐसा बनना पड़े, पर फिर भी I am Donald Trump and if I invest 15% of shares in a company, for example 15% मैंने शेयर खरीदे Air India के, that means I am doing FDI. So if the investment by a foreigner is more than 10% in a company, that more than 10% will be called as FDI. तो उसको यहाँ पर वो करेगा. चलिए आपको दिखा दें इसी का the Hindu and the Static Shorts, जो कि ये रहा आपके सामने. The Union Cabinet has approved the proposal to grant private sector bank HDFC to generate 24,000 crore from the FDI market. Previous limit था आपका 10,000. So there is an increase of 14,000 crore. So एक नया limit है. Similarly, condition is the third point को mark करिएगा. The maximum FDI that can be done in a private sector bank including HDFC is 74%. याद रखिएगा. The maximum FDI that can be done in a private bank in India, that is 74%. 74% तक ही. थर्ड पॉइंट को जरा मार्क कर दें, लगता है हमारे टेक टीम को दिक्कत हो रही है. 74% वो नंबर है, इससे ज़्यादा FDI आपका नहीं हो सकता इन एनी प्राइवेट बैंक. एंड बाय सच एन इन्वेस्टमेंट द CAR विल इंक्रीज, दे विल ट्राई टू इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. गौरव अग्रवाल जी, आपका नाम IAS टॉपर के नाम पे है, ये शायद 2014 के टॉपर थे, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो जाना चाहिए. FDI इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Is it clear to everyone guys? एक सवाल आ रहा है from सुजुभम दास. सर नॉट क्या है? नॉट मीन्स अप्रूवल. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गोवा, यू आस्क योर पेरेंट्स टू गो गोवा. जनरली पेरेंट्स आपके मना करेंगे, पर अगर वो नॉट करते हैं, दैट इज़ एन अप्रूवल. सो एन अप्रूवल बाय द कैबिनेट इज गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. गाइज द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर शो इज अवेलेबल नाउ इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज़ बिलो आर टाइटल, दैट इज द हिंदू टाइटल. वहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स फोकस नाउ ऑन द नेक्स्ट ऑफ आर इमेजेस गाइज, जो कि ये रहा आपके सामने. इंडिया China, they will discuss an oil buyers club, that is an OBC. Interesting. मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए the first paragraph. With oil producers cartel OPEC playing havoc with prices. मतलब OPEC, which is an organization which basically provides oil, crude oil to the nations, it is playing havoc. Havoc मतलब बवाल काट रहा है. मतलब basically it is trying to increase the crude oil. So because of the undue advantage, the misuse of power or power by the OPEC, India and China are discussing to form a group called as OBC or Oil Buyers Group. All right. Now by this Oil Buyers Group, they can negotiate with OPEC for decreasing the prices per barrel of crude oil. Simple si khabar hai dosto. Main akela tha, tanha tha, pareshan tha. मुझे मेरे दोस्त ने साथ दिया, अब मैं भौकाली काट रहा हूँ. बेसिकली दैट्स अ कानपुरी लैंग्वेज, कानपुरिया लैंग्वेज. आई बिलोंग टू लखनऊ एंड कानपुर इज अ नेबर. ओके, सो सिंपल खबर है कि इंडिया एंड चाइना, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है. ट्रम्प का दोस्त किम जोंग उन, इंडिया का दोस्त चाइना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम. सो इंडिया एंड चाइना दे हैव अग्रीड टू फॉर्म एन ऑयल बायर्स क्लब. And by forming this oil buyers club, they will try to negotiate the OPEC for decreasing the prices. Guys, यहाँ पर एक term आता है, उस term का नाम है Asian Premium. क्या नाम है term का, लिख देना comments में. The name is Asian Premium. Now, Asian Premium is the difference in price or the high prices that is given by the Asian countries for purchasing crude oil from OPEC. OPEC generally provides oil at a lesser price to the Western countries and it provides the oil at a higher price to the Asian countries. This higher price is called as Asian premium. So to avoid Asian premium, to negotiate better prices, India and China will form an oil buyers club. All right. तो चलिए दिखा दें आपको इसी का the Hindu and the static shorts, जो कि ये रहा आपके सामने. With oil producers cartel OPEC, OPEC का फुल फॉर्म है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना दे विल हैव क्लब दैट क्लब विल बी नोन एज द ऑयल बायर्स क्लब दैट क्लब विद दैट क्लब इंडिया एंड चाइना विल जॉइन हैंड्स टू हैव अ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट द ऑयल प्रोड्यूसर्स यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ओपेक इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबियन अदर्स एंड दे आर ट्राइंग टू अवॉइड दे आर ट्राइंग टू बैनिश द एशियन प्रीमियम अकॉर्डिंग टू देम द प्राइज एट विच ओपेक प्रोवाइड्स ऑयल टू वेस्ट At the very same price, at least, the oil should be provided to the Asian countries. Thereby, they want to avoid and banish the Asian premium. Asian premium ko wo khatam karne wale hain. All right? तो ये अगर आपको क्लियर है एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा यस सर इट इज़ क्लियर इमेज हो सकता है क्लियर ना हो पर ये जो चार पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हो क्लियर है ना मेरे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट इमेज गाइस जो कि ये रही आपके सामने भारत बाइस ETF ऑफर टू ओपन ऑन जून 19 नाउ गाइस भारत 22 इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज़ कॉल्ड एज ETF विच मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अ भारत 22 ETF कंसिस्ट ऑफ 22 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हुज शेयर्स और हुज फंड्स आर सोल्ड एंड बॉट अंडर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड तो ज़रा वापस एक बार स्क्रीन पे आ जाएं और अब आपको ले चलें सिंपल सी खबर दो समझिएगा इस पूरी खबर इन द एंटायर हेडलाइन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड The only thing that basically matters, guys, is the Bharat 22. Bharat 22 आखिरकार क्या है तो आइए दिखाते हैं आपको what is Bharat 22, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर An ETF is an open-ended mutual fund scheme with an objective to track and reflect the performance of its underlying index. तो basically ETF क्या है ETF basically is an mutual fund, which is an open-ended one. मतलब anyone can sell, anyone can buy, anytime. There is no period for storage. There is no lock-in period. Anyone can buy, anyone can sell. But this fund is linked to an index. And when the value of index changes, the value of ETF also changes. I'll again repeat, guys. ETF stands for Exchange Traded Fund. It is an open-ended mutual fund. इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स कि जो इंडेक्स है उसमें क्या चेंज आया उस चेंज से ये म्यूचुअल फंड भी चेंज होगा इन द बजट ऑफ 2017 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ डाइवेस्टमेंट टारगेट ऑफ 72,500 crores 72,500 करोड़ हमें अचीव करने हैं बाय सेलिंग द गवर्नमेंट कंपनी शेयर्स टू अचीव द टारगेट दैट वॉज सेट इन 2017 The government set up Bharat 22 ETF, which consisted of 22 public sector companies. All right, and unke shares ko yahan par sell kiya jata hai. Basically, these 22 sectors, these 22 companies come from basic materials, from energy, from finance, from FMCG, from industrials and utilities. So, ye 6 sectors se aapka ye fund milkar banta hai. To ek sawal baar baar aa raha hai ETF ka. ETF stand for Exchange Traded Fund. It is a type of mutual fund which is linked to an index. The change in the index leads to a change in the value of ETF. Bharat 22 is also a type of an exchange, also a type of an ETF. Ek sawal aaya yahan par, sir, what is an index? Mere bhai, pranam hai aapko. Index is basically a list. It is a list of companies. A list of companies or a list of shares is basically called as an index. All right? Achha. Aur koi sawal yahan par? Kisi ka sawal yahan par nahi hai. अजय पांडे जी आपका नाम मेरे पापा के नाम पे है तो पिताजी प्रणाम पर ETF मैंने देखिए दिखा दिया है आपको ठीक है इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फॉर एग्जांपल दंत मंजन टूथपेस्ट सोप ये सब आपका FMCG में आता है ऑल राइट चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं तन्मय जी को कुछ समझ में नहीं आया मेरे भाई शंख पुष्पी का सेवन करें और दिमाग तेज़ हो जाएगा बिकॉज आई हैव ट्राई टू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द एंटायर सिनॉप्सिस एक बार इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर जो कि ये रही अब आपके पास सामने टोयोटा टू बाय $1 billion stake in Grab in ऑटो इंडस्ट्रीज बिगेस्ट राइड हेलिंग बेट
टोयोटा हैज़ परचेज्ड हैज़ एक्वायर्ड ग्रैब एंड दिस इज़ अ राइड दिस इज़ बेसिकली सिमिलर टू ओला और ऊबर एंड बाई दिस इट इज़ द ऑटो इंडस्ट्रीज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बिगेस्ट एक्विजिशन ऑल राइट ये सबसे बड़ा आपका एक्विजिशन है टोयोटा द्वारा इन टर्म्स ऑफ द राइड हेलिंग ऐप्स. तो चला एक बार दिखा दें स्क्रीन पर इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा अब आपके सामने. Toyota Motor Corp has agreed to buy a $1 billion stake in Southeast Asia's Grab in the biggest investment by a car maker into a ride-hailing firm. So, ये सबसे बड़ा investment है एक ride-hailing firm में number one. Number two, the value now of Grab is what is $10 billion after the investment. And इसके अलावा कुछ और companies ने भी they have also acquired or partnered with ride-hailing apps like Uber and Ola. For example, General Motors has invested in US ride services firm Lyft. Uber mein investment hua hai Toyota ka. Similarly, Japan's SoftBank has also invested in Grab and Uber. Toh kai companies kar rahi hai, but in terms of the biggest investment in a ride hailing company, for example, an Ola or an Uber, it is in Grab and that has been done by Toyota. And that is around $1 billion of the shares of Grab. अनन्या कुमारी राइड हेलिंग मतलब अगर आप कैब राइड सोचते हो कि मुझे कैब राइड मिले तो आप क्या करते हो यू इधर बुक एन ओला और इधर बुक एन ऊबर और मेरू टैक्सी रेडियो टैक्सी ऑल दीज आर राइड हेलिंग कंपनीज विच प्रोवाइड यू कैब राइड्स ऑल राइट सो उसे हम यहाँ पर कहते हैं आशीष शुक्ला ग्रैब मतलब हत्या नहीं ग्रैब इज़ अ नेम ऑफ अ कंपनी ऑल राइट ग्रैब इज़ अ राइड हेलिंग ऐप ऑल राइट तो ये सबको क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर इट इज़ क्लियर ताकि हम आगे बढ़ पाएँ. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम सुकृत द्विवेदी सर व्हाट इज़ राइड हेलिंग बेट बेट मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग सो इट्स बेसिकली अ बेट इट्स बेसिकली अ रिस्क कि कितना फ़ायदा करेगा एंड राइड हेलिंग मीन्स टू प्रोवाइड कैब राइड्स दैट इज़ द थिंग. ग्रैब का कोई फुल फॉर्म नहीं है मेरे भाई ग्रैब एक राइड हेलिंग कंपनी है. आज लोगों ने लगता है बहुत डाउट पूछ रहे हैं सिंपल सी बात है मेरे भाई ग्रैब इज़ बेसिकली हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं टू टेक होल्ड बट ग्रैब हियर इज़ बेसिकली अ कंपनी विच इज़ अ राइड हेलिंग कंपनी ऑल राइट तो सबको यहाँ पर बिल्कुल कंपनी है चैंडलर बिंग वाह Sarcasm to the core. Well, Chandler Bing is my favorite character from Friends, but Chandler is always sarcastic. But you should be intelligent. Grab is a ride hailing company. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी next सवाल पर. Cognizant CEO D'Souza has been made the vice chairman of the same company. Cognizant CEO Francisco D'Souza has been appointed as the vice chairman of the company. He would continue to perform his current role as a CEO, but साथ ही साथ he is also the vice chairman of Cognizant. वो Cognizant के vice chairman भी हैं. All right, तो ये आपके सामने यहाँ दिया हुआ है. The chairman of the board of directors is Mr. John Klein, but now the vice chairman of Cognizant is the CEO Mr. Francisco D'Souza. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर जो कि ये रही आपके सामने. ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों. इंडियाज फर्स्ट एवर लिथियम आयन सेल प्लांट शैल बी सेटअप बाई मुनोथ इंडस्ट्रीज इन आंध्र प्रदेश. बड़ी खबर है इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग खबर. मैं आपके लिए फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पढ़ देता हूँ. चेन्नई बेस्ड मुनोथ इंडस्ट्रीज ऑन वेंसडे announced setting up of a lithium ion cell manufacturing plant at said to be the first in India at an investment of 799 crore. It will come up in Tirupati in Andhra Pradesh. The first phase will be completed in 2019 and the second phase will be completed in 2022. तो बहुत ही आसान खबर है. चेन्नई बेस्ड मुनोथ इंडस्ट्रीज ने कहा है इट विल सेटअप अ लिथियम आयन सेल प्लांट. दैट प्लांट विल बी सेटअप इन तिरुपति इन आंध्र एंड जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी एट 799 करोड़. द फर्स्ट फेज कंप्लीटेड इन 2019 एंड सेकेंड फेज कंप्लीट आपका होगा इन 2022. द मुनोथ इंडस्ट्रीज आर हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई एंड द MD ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दिस कंपनी इज विकास मुनोथ. नाम ही सेम है सो विकास मुनोथ इज बेसिकली द MD ऑफ दिस चेन्नई बेस्ड कंपनी जो कि पहला
इंडियाज़ वेरी फर्स्ट लिथियम आयन सेल प्लांट को सेटअप करेगा इन द स्टेट ऑफ आंध्रा. राहुल खिंची, मैं वही तो कह रहा हूँ, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. येस, दैट इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अमरदीप कौर, इसमें खोज होगी कि हम पैदा कैसे हुए. मजाक कर रहा हूँ. इसमें दे विल बेसिकली मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स, जो कि एक नया वर्जन है ऑफ सेल टेक्नोलॉजी, तो उसको यहाँ पर किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, जो कि ये रही. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन गाइस, ये सवाल एग्जाम में आना चाहिए. ट्रू कॉलर अक्वायर्स चिल्लर एंड ऑल्सो अनवेल्स इट्स सेकेंड वर्जन कॉल्ड एज द ट्रू कॉलर पे 2.0. द चिल्लर फाउंडर्स विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ द स्वीडिश फर्म एंड द ट्रू कॉलर हैज़ बेसिकली अक्वायर्ड देम. तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को. ट्रू कॉलर द कंपनी बिहाइंड द फोन नंबर आइडेंटिफिकेशन ऐप अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन टू द पेमेंट स्पेस इन इंडिया बाय अक्वायरिंग चिल्लर अ मल्टी बैंक पेमेंट्स ऐप. तो वो उसने कहा कि उसने चिल्लर को अक्वायर कर लिया है. इन द प्रीवियस ईयर दे हैड ऑल्सो इंस्टॉल्ड द UPI, दैट इज़ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन द ऐप, एंड अब वो चिल्लर ऐप को भी यहाँ पर अक्वायर कर रहे हैं. द फाउंडर्स ऑफ चिल्लर, इनका नाम है सोनी जॉय, अनूप शंकर एंड मोहम्मद गालिब एंड लिस्बी भास्करन, रिशॉय भास्करन, ऑल दीज विल बी अ पार्ट नाउ ऑफ ट्रू कॉलर एंड मिस्टर जॉय विल बी द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ ट्रू कॉलर पे. एक बार दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक, इसको एक सॉरी दिखा चुके हैं आपको, ये रहा आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या होने वाला है. ट्रू कॉलर इज़ बेसिकली अ स्वीडिश कंपनी. नीरज यादव जी, कभी कभी लगता है एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा. 2.0 मीन्स वर्जन 2, सो ट्रू कॉलर वर्जन 2 इज़ बेसिकली बीन इन द लाइनअप एंड वो उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा. चिल्लर इज़ सिमिलर टू अ पेमेंट्स ऐप. ऑलराइट, सो चिल्लर इज़ एन ऐप विच वॉज बैक्ड बाई HDFC इन विच यू कैन ट्रांसफर पैसे, यू कैन ट्रांसफर कॉइन, यू कैन ट्रांसफर 20 rupees, 10 rupees, मतलब बेसिकली स्मॉल ट्रांजेक्शन. सो इट वॉज एन ऐप विच वॉज बेसिकली फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन, जो कि यहाँ पर किया गया है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर. रशिया ओपन्स इट्स डोर्स टू द वर्ल्ड. इसको मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, द रीज़न बीइंग बिकॉज गूगल तो आप सब कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. तो एक बार देख लीजिएगा अबाउट दिस वर्ल्ड कप, व्हाट इज़ द मैस्कॉट, व्हाट आर द स्टेडियम्स, हाउ मेनी टीम्स. सो प्लीज़ DNA, प्लीज़ रिसर्च अबाउट द रीसेंट वर्ल्ड कप दैट इज़ हैपनिंग इन रशिया, उसको एक बार आप देख लीजिएगा. फिर भी मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, देर आर टू थिंग्स टू बी अंडरस्टूड. उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट PDF पे. ये रहा आपके सामने इसका हिंदू शॉर्ट्स. द 2026 वर्ल्ड कप शैल बी इन USA, मेक्सिको एंड कैनेडा, एंड द दिस वर्ल्ड कप दैट इज़ द 2026 वर्ल्ड कप विल हैव 48 टीम्स. इस बार टीम्स 32 हैं. The teams at this point of time are 32, but for the 2026 World Cup in Mexico, USA and Canada, the teams will be 48. All right, yes, वक्का पुराना हो गया, नए गाने गाओ because अब नए गाने आएंगे, so वो एक बार आप देख लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, let's show you the next of our headlines. ये रही आपके सामने. Kerr shatters the record. Amelia Kerr of New Zealand has become the highest ever scorer in an ODI for women's cricket. She scored 232 runs with 31 fours and 2 sixes against Ireland. The 17-year-old surpassed Australia's Belinda Clark, who scored 229 made against Denmark in 97, 3 years before Kerr was born. Kerr's 233 is the third highest score in all cricket behind Rohit Sharma and Martin Guptill. So Amelia Kerr has become the highest run scorer in a single one day international by scoring 232 runs, and third highest scorer hain after Rohit Sharma at 264 and Martin Guptill at 237. Chaliye aage badhte hain aur lalle chalte hain aapko hamari last image par, jo ki ye raha. सुलभ फाउंडर रिसीव्स द निकेई एशिया प्राइज. नोटेड सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल बिंदेश्वर पाठक वॉज ऑन वेंसडे ऑनर्ड विद जापान्स प्रेस्टिजियस निकेई एशिया प्राइज फॉर कल्चर एंड कम्युनिटी
फॉर ए सिग्निफिकेंट रोल इन वर्किंग फॉर द पुअर हाइजीन डिस्क्रिमिनेशन. दिस अवार्ड इज अवॉर्डेड इन डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडिंग रीजनल ग्रोथ, साइंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड कल्चर कम्युनिटी. तो इनको ये अवार्ड दिया गया है. इनका नाम है मिस्टर बिंदेश्वर पाठक. ही इज़ द फाउंडर ऑफ द सुलभ इंटरनेशनल कंपनी. ऑल राइट, चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं गाइस. सो वी हैव कम टू एन एंड, वी हैव कवर्ड द एंटायर गैमट ऑफ हेडलाइंस. एंड अब ले चलते हैं आपको हमारी लास्ट इमेज पर, जो कि ये रही आपके सामने. एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, आई कैन डू दिस. एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, आई कैन डू दिस. एवरीवन गाइस, आई कैन डू दिस वॉट एवर इन लाइफ, एंड दिस इज फॉर मी एज वेल. आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू. सो रिपीट आफ्टर मी, आई कैन डू दिस. मैं इसको कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस. थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी. विल बी बैक अगैन सेम टाइम सेम प्लेस टूमोरो. ऑल राइट एट 8 AM. सो मिलते हैं आप सबसे कल 8 बजे. कल क्विज भी होगा, कल कई और नई चीज़ें भी होंगी. द PDF ऑफ दिस शो इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. प्लीज़ क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू विल फाइंड द PDF. उस PDF को आप क्लिक करिए एंड आपको मज़ा उठाइए ऑफ द एंटायर थिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट गाइज. मिलते हैं आपसे कल. बाय बाय.